सन ऑफ बिहार कहने जाने वाले मशहूर पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर हुआ है एफआईआर। आखिर ये एफआईआर किसने किया है और उसके ऊपर क्यों ये एफआईआर हुआ है, सब जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के द्वारा आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और आपको बताते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ है और पूरी घटना क्या थी, आपको पूरी घटना विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दरअसल ये घटना बिहारी मजदूरों को लेकर हुई थी। जब पूरे देश में बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा था तब मनीष कश्यप ने बिहारी मजदूरों के साथ खड़े रह के बिहारी मजदूरों की आवाज़ बने थे। बस इसी मामले से लेके ये मामला पूरा गर्मा गया और उसके बाद जब बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही थी तब मनीष कश्यप बिहारी मजदूरों के साथ हो गए और उसके साथ रह के अपने न्यूज़ चैनल पर सच तक न्यूज़ पर अपनी न्यूज़ चलाई और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर करवा दिया। एफआईआर होने के बाद पुलिस मनीष कश्यप को ढूंढ रही है और कभी भी मनीष कश्यप जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं। और इसके बाद जब मनीष कश्यप ने बिहारी मजदूरों की पूरी वीडियो चलाई उसके बाद तेजस्वी यादव ने उसकी जांच करवाई और उसको जो है झूठा और फेक बताया। इसके बाद जो है मनीष कश्यप के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला और मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया। अभी मनीष कश्यप अपने घर पे है और सुरक्षित है, पर वो कभी भी पुलिस की हिरासत में आ सकते हैं। और उसके बाद एफआईआर होने के बाद मनीष कश्यप अपने सच तक न्यूज़ पर लाइव आए और लाइव आने के बाद उसने बहुत सारी बातें की। इस बातों में उसने बताया कि आप एक नेता का बेटा हो और मैं एक आर्मी का बेटा हूँ, तो मैं हार नहीं मानने वाला हूँ और मैं आपकी कुर्सी हिला कर रखूँगा। और इसके अलावा मनीष कश्यप ने यह भी बोला था कि आप नौवीं कक्षा भी फेल हैं और आपको मुख्यमंत्री बनना है। इसके बाद दोस्तों जो मामला था वो पूरा गर्मा गया और तेजस्वी यादव है जो मनीष कश्यप के पीछे ही पड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप जो है वो एक बहुत बड़े और अच्छे पत्रकार है और वो तेजस्वी यादव की कुर्सी हिलाने की काबिलियत भी रखते हैं। और इसके अलावा मनीष कश्यप के YouTube, Facebook पे और Instagram पे बहुत सारे फ्रेंड हैं और जो सारे फ्रेंड हैं वो इसको अच्छे खासे सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों जनता की आवाज़ की तरफ से आपको सब कुछ दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता की आवाज़ को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करोगे तो हमको अच्छा लगेगा। इसके बाद जो है दोस्तों पुलिस जो है मनीष कश्यप को ढूंढ रही है और अभी तक मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ था इसके बाद जो अभी तक मनीष कश्यप की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि मनीष कश्यप के जो वकील थे उसने उसकी पहले से ही जमानत ले ली है और उसके बाद अब मनीष कश्यप को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। अब आप मनीष कश्यप के साथ है तो कमेंट में बताएं हम मनीष कश्यप के साथ है, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।